सो माय डियर फ्रेंड्स, कल वाले होमवर्क में पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं। अमन के 3 डाउट्स हैं। उन्नति, आपका कोई डाउट है? नो मैम. तो उन्नति आप बता दो। अमन बोले, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैम जैसे कि कॉस अल्फा एल मानते हैं, जैसे कि 11th चैप्टर में एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा होता है, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा और वाई एन इक्वल्स टू कॉस गामा. तो तीनों के हम एंगल सेम मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. हाँ जी, और बिल्कुल सही। अमन देखो, दे आर सेइंग कि एल इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू एन। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए, आप ऐसा बोल सकते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। इट मीन्स कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस गामा। एग्री? तो 3 cos² अल्फा, आप ऐसा सोच सकते हो, 1 होगा। तो कॉस अल्फा 1 ± 1/√3 होगा, राइट अमन? तो आपके पास क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ? आपकी डायरेक्शन को साइन 1/√3, 1/√3, 1/√3। क्या अमन क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस मैम. ठीक। नेक्स्ट आपका है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स पाई बाय 3 विद एक्स एक्सिस, पाई बाय 4 विद वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल विद द लाइन जेड एक्सिस। कुछ भी नहीं करना, अभी यहां से क्लियर ही हो गया होगा आपको क्या करना था। यस मैम. वही, cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा इज 1। अल्फा की वैल्यू आपको पाई बाय 3 दी है, बीटा की वैल्यू पाई बाय 4 दी है, गामा की वैल्यू निकालनी है, तो निकल जाएगी, राइट? यस मैम. 11, 3 पॉइंट दिए हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लोगे लाइन की? यस मैम. और पॉइंट्स को लीनियर प्रूफ करने हैं तो क्वाइट सिंपल है आई गेस। चाहे तो डिटर्मिनेंट 0 कर लो। अगर उन्होंने बोला हेंस, इट मींस इक्वेशन ऑफ लाइन में जो थर्ड पॉइंट, अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो आप बोलोगे कि पॉइंट्स आर लीनियर। जब किसी क्वेश्चन में हेंस होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो जस्ट उससे पहले प्रीवियस रिजल्ट आपने निकाला है उसी को यूज करना है। इट मींस जो भी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, अगर उसमें थर्ड पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि यस, पॉइंट्स आर क्लीनियर। क्लियर है? यस मैम. तो माय डियर फ्रेंड्स, कल वाली क्लास में अगर रीकैप करें तो आपने क्या चीजें पढ़ी थी? आपने पढ़ा था वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन फ्रॉम 1 पॉइंट। फिर वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन हमने 2 पॉइंट से पढ़ा था, राइट? एंड थर्ड थिंग हमने पढ़ी थी एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एग्री? बोलो, क्या कोई डाउट है इसमें? बताइए माय डियर फ्रेंड्स। अरे यार, बहुत पढ़ा करो। यस मैम. अगर बोलेंगे तो डाटा ये ज्यादा यूज नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि आपका डाटा ज्यादा यूज होता है? नो मैम. ठीक है। तो अभी आज के टॉपिक्स 2 है, एक है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या ये दोनों टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं जो आपने स्कूल में टॉपिक्स किए थे? नहीं किए होंगे क्योंकि दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी। लग रहा है ऐसा? तो देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, राइट? कैसे करेंगे देखो, लेट मेरे पास एक लाइन 1 दी है। उन्नति, लाइन 1 है, अगर वो मेरे पास है x − x1/a = y − y1/b = z − z1/c, राइट? इन द सेम वे अमन, मेरे पास लाइन 2 है और वो मेरे पास है नमन x − x2/a, या हम ले सकते हैं अगर इसको a1 b1 c1 ले तो a2 = y − y2/b2 = z − z2/c2। क्लियर है? उन्नति, 2 लाइंस क्लियर है? महक क्लियर है? कल आप क्लास में नहीं थे महक। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइन को इक्वल्स टू लैम्डा रख लो, दूसरी लाइन को इक्वल्स टू म्यू रख लो,
तो आपके पास x क्या आ जाएगा, x मस्ट बी ए वन लैमडा प्लस एक्स वन, फिर y क्या आ जाएगा बी वन लैमडा प्लस वाई वन, एंड z क्या आ जाएगा आपके पास सी वन लैमडा प्लस जेड वन। क्या क्लियर है ये बात, राइट? यस मैम। इन द सेम वे यहां से आपके पास x क्या आ जाएगा ए टू म्यू प्लस एक्स टू, वाई आ जाएगा बी टू म्यू प्लस वाई टू, और जेड आपके पास आ जाएगा सी टू म्यू प्लस जेड टू। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। तो दोनों ही x की वैल्यूज है, तो मैं क्या इसको ऐसे इंप्लाई कर सकती हूँ कि a1 वन लैमडा प्लस एक्स वन मस्ट बी इक्वल टू ए टू म्यू प्लस एक्स टू। तो यहां से मेरे पास टू वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा एंड म्यू में, दैट इज ए वन लैम्डा माइनस ए टू म्यू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। इन द सेम वे आपके पास बनेगी बी वन लैम्डा माइनस बी टू म्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1, फिर आपके पास बनेगी c1 वन लैमडा माइनस सी टू म्यू इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन। बताओ एग्री? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आप क्या करोगे, अगर फंडा सोचो तो फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर लैमडा एंड म्यू, कर सकते हैं। So if lambda and mu satisfies third equation, तो आपको क्या पता चल जाएगा आपकी lines क्या कर रही है, intersect कर रही है at one point। अमन, उन्ति, नमन, महक, is it clear? Yes ma'am। ma'am कुछ ज्यादा clear हो जाएगा, concept clear हो गया? Yes ma'am। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दिया है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा सॉल्व। देखो, आपको दिया है फर्स्ट लाइन L1, x upon 1 is equals to y minus 2 upon 2 is equals to z plus 3 upon 3, और लाइन 2 आपको दी है x minus 2 upon 2 y minus 6 upon 3 z minus 3 upon 4, राइट? अगर आप लोगों को लैम्डा क्यों मुश्किल लगता है, लेट इट बी के एंड पी, क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, मेरे पास आ जाएगा कि जो एक्स है वो के के बराबर है, जो वाई है वो टू के प्लस टू के बराबर है, और जो जेड है वो थ्री के माइनस थ्री के बराबर है। इन द सेम वे एक्स इज इक्वल टू टू पी प्लस टू के बराबर है, वाई इज इक्वल टू थ्री पी प्लस सिक्स के बराबर है, जेड इज इक्वल टू फोर पी प्लस थ्री के बराबर है। एग्री माई डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। तो आप ये बोल सकते हो के इज इक्वल टू टू पी प्लस टू, दिस इम्प्लाइज के माइनस टू पी मस्ट बी इक्वल टू टू। फिर दूसरी क्वेश्चन बनेगी टू के प्लस टू इज इक्वल टू थ्री पी प्लस सिक्स, दिस इम्प्लाइज टू के माइनस थ्री पी इज इक्वल टू फोर। और थर्ड इक्वेशन माइडर बनेगी 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 4p प्लस 3, इट मींस आपके पास बन गया 3k माइनस 4p इज इक्वल टू 6। एग्री? ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, और ये 3 हो गई उन्नति। यस मैम। तो महक, आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k माइनस 4p इज इक्वल टू 4, 2k minus 3p is equals to 4, subtract करेंगे, तो ये cancel, आपके पास बना minus p is equals to 0, this implies p की value क्या आ गई dear? 0। तो अगर, तो in equation 1, जब आप equation 1 में put करेंगे, तो p 0 है, it means k की value कितनी आ गई? 2। 2। clear है? Let in equation 3, जब equation 3 में जाएंगे, तो 3 into 2 minus 0 is equals to 6. तो नमन, 6 is equals to 6. Therefore, yes, lines are intersecting. क्या सबको बात क्लियर हुई? अब क्वेश्चन आपको और क्या बोला है? क्वेश्चन says कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. तो जो आपका ये वाला है, इसी को आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले सकते हो. इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
टू, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिक्स. और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थ्री. तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आंसर आएगा 2, 6, 3. क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम. नो मैम. क्लियर है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं. क्लियर. आया था लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है. यस मैम, ये नहीं है लेकिन मैम आया था. आया था ना. तो सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछता है. वही चीज है कि होली सोली सिर्फ प्री बोर्ड्स के एनसीईआरटी के बेसिस पे हम सिलेबस नहीं कर सकते. बहुत सारी चीजें जो एनसीईआरटी में स्किप कर देते हैं. तो ये एक चीज क्लियर हो गई. अब पता चल गया. चार तीन नंबर का तो आया होगा आई गेस. पांच नंबर का आया था. पांच का आया. अरे यार चलो अगली बार बोर्ड्स में बच जाएंगे. चले आगे. सबको क्लियर है? देखो मुझे यार दो ही टॉपिक करवाने हैं, एक इंटरसेक्शन करवाना है, एक डिस्टेंस कराना है. उसके बाद मेरा एक टॉपिक बचेगा जो आपका सैटरडे की क्लास में खत्म हो जाएगा. तो 3D हमारा खत्म हो जाएगा सैटरडे की क्लास में. तो टेक योर टाइम. अगर किसी को लग रहा है हमें इसमें डाउट है तो मेरे को बता दो. ठीक है. अब बताना है कि लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट. तो मैंने आपको एक चीज बताई देखो कंसेप्ट के टाइम पे कि अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो आप बोलोगे कि यस इंटरसेक्ट हो रहे. और अगर हम बोल दे कि इफ नॉट सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या बोलोगे? लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग. नॉट इंटरसेक्टिंग. क्लियर होगी बात? क्या किसी को डाउट है? आंचल आप लेट हो गए. ठीक है. अंकित के नाम से आंचल ज्वाइन हुए ना? नो मैम. अंकित ही ज्वाइन हुए आज? बोल के बताओ डियर. अंकित के नाम से कौन ज्वाइन हुए आज? अंकित के नाम से अंकित ज्वाइन हुए. चलिए. सो अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है उन्नति एंड महक? एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू जेड माइनस वन अपॉन फाइव. और दूसरी इक्वेशन है अभिषेक x प्लस टू अपॉन फोर वाई माइनस वन अपॉन थ्री एंड इक्वल्स टू जेड प्लस वन अपॉन माइनस टू. राइट माई डियर स्टूडेंट्स? क्या करेंगे? एक को k ले लेंगे, एक को p. राइट तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कि x जो है वो 3k प्लस 1 के इक्वल है, y जो है वो 2k प्लस माइनस 1 के इक्वल है, और जो z है वो 5k प्लस 1 के इक्वल है. इन द सेम वे x जो है 4p माइनस 2 के इक्वल है, y जो है 3p प्लस 1 के इक्वल है, z जो है माइनस 2p माइनस 1 के इक्वल है. क्लियर है? राइट. यस मैम. फिर मैं बोलूंगी कि 3k plus 1 must be equals to 4p minus 2. This implies 3k minus 4p is equals to minus 3. Right? फिर आपके पास बनेगा 2k minus 1 is equals to 3p plus 1. This implies 2k minus 3p is equals to 2. और लास्ट वन है 5k plus 1 is equals to minus 2p minus 1. This implies 5k plus 2p is equals to minus 2. ये आपकी इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3. सॉल्व करो. सॉल्व 1 एंड 2 फॉर k एंड p. हरी अब बताना पॉइंट क्या आएगा.
मैम नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरसेक्टिंग. के की वैल्यू बता दो कितनी आई है. पी की माइनस 12 आई है. के माइनस 5 है, पी माइनस 4 है. के की वैल्यू कितनी है. माइनस 5 और पी माइनस 4. ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे. तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन 3 आपके पास क्या बनेगी. 5 इंटू माइनस 5 प्लस 2 इंटू माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 25 माइनस 8, तो आपके पास बना माइनस 33, जो कि माइनस 2 के इक्वल नहीं है. तो देयर फोर उन्नति नॉट इंटरसेक्टिंग. क्लियर है क्या, किसी को डाउट है यहां तक. बोलिए माय डियर फ्रेंड्स, एनी डाउट टिल देयर. क्लियर है सबको. यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बी क्विक, फटाफट इसका आंसर बताइए. तो इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दें. क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं. प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस इंटरसेक्ट द लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑफ. तो ये क्वेश्चन पता चला, ऐसा क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है. उन्नति, महक, अमन, अंकित एंड नमन, अभिषेक, कैसे पूछा जा सकता है. इसमें आपको पहले 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन बनानी है लाइन की, राइट. उसके बाद उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना. तो निकाल लोगे, पहले लाइन बनानी है फिर इंटरसेक्शन का पॉइंट. क्लियर है. बोलिए डियर स्टूडेंट्स, एग्री. कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए. इज इट ऑडिबल. यस मैम. मैम इसमें कार्टेशियन फॉर्म बना के निकाल दे. बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, वो वाली फॉर्म. डन. यस मैम. क्लियर. यस मैम. अब देखिए, अब हमें करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. क्लियर है. रेडी एवरीवन. ये भी 5 वेटेज का क्वेश्चन होता है इसमें. चले, तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट मुझे कोई पॉइंट दिया है, दिस वन पी, एंड लेट दिस बी अल्फा बीटा एंड गामा. और मुझे एक लाइन दी है, एंड लाइन 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 की इक्वेशन है हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन. क्लियर है. मुझे क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना. दिस इज डी. तो इट मीन्स परपेंडिकुलर क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपका है कंसेप्ट में कि डी कैलकुलेट करना. क्लियर है. तो सबसे पहले जो स्टेप वन है उसमें आप क्या करोगे, आप x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन जो है उसको इक्वल्स टू लैम्डा कर लोगे. तो x इज इक्वल्स टू एल लैम्डा प्लस एक्स वन, y is equals to m lambda plus y1 और z is equals to n lambda plus z1. agree. ये आपका क्या है, ये आपका foot of perpendicular आ गया. क्या किसी को डाउट है.
मीन्स जो ये वाला पॉइंट है दिस पॉइंट इज एक्स वाई जेड, क्लियर है? हाँ जी, डन? यस मैम। अगर ये पॉइंट क्यू है तो स्टेप टू में क्या आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पी का पॉइंट भी आ गया, क्यू का पॉइंट भी आ गया। स्टेप थ्री में क्या आप एग्री हो कि जो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू एंड ए बी आर परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज यू कैन फाइंड लैम्डा, क्लियर है? देन स्टेप फोर, आप क्या कर सकते हो, आप डी कैलकुलेट डी बताओ, किसी को डाउट है? देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ध्यान से सुनना अमन, क्या हो सकता है, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया, फर्दर अगर आपको पी की इमेज कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो क्यू होएगा वो मिड पॉइंट होएगा उन्नति। यस मैम। और अगर मेरे को परपेंडिकुलर की इक्वेशन कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो मेरे पास टू पॉइंट्स आ गए, तो मैं इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। बोलो बोलो, मैं है कैंसिल कीजिए। यस मैम। जब मैं एल्गो लिखती हूँ ना तो बड़ी दिक्कत होती है। अब चलो क्वेश्चन से करते हैं। ये पॉइंट है पी और ये मुझे दिए 3 - 1 11, क्या स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ये लाइन है और अमन इसकी अभिषेक लाइन है एक्स अपॉन टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस थ्री अंकित एंड जेड माइनस थ्री अपॉन फोर, एग्री? ये क्यू है, ये ए है, ये बी है, राइट? तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, मैं बोलूंगी कि एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर, लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा। तो x मेरे पास आ गया 2 lambda, y मेरे पास आ गया माइनस 3 lambda प्लस 2 एंड z मेरे पास आ गया 4 lambda प्लस 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, दिस इंप्लाइज q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यस मैम। ठीक है, सेकंड स्टेप, मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq निकाल सकती हूँ, वो कितनी बनेंगी, Q का पॉइंट आपने निकाल लिया कि जो मेरे पास Q पॉइंट है वो 2 लैम्डा कोमा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 कोमा 4 लैम्डा प्लस 3 के इक्वल है, तो मेरे पास PQ के डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे 2 लैम्डा माइनस 3 कोमा माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 कोमा 4 लैम्डा माइनस 8, एग्री? बोलो किसी को डाउट है? थ्री डायरेक्शन रेशियोज ऑफ उन्नति पी क्यू एंड ए बी आर परपेंडिकुलर, राइट अभिषेक? सो दिस इंप्लाइज ए बी के डायरेक्शन रेशियोज पता है 2 - 3 - 4, तो आपके पास आएगा 2 × 2 λ - 3 प्लस माइनस 3 × -3λ + 3 प्लस 4 × 4λ - 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हैं, 4λ - 6 प्लस 9 - 9 प्लस 9λ - 9 प्लस 16λ - 24 32 इज इक्वल टू 0, कितना आएगा डियर? दिस इंप्लाइज ट्वेंटी नाइन लैम्डा माइनस 32 9 6 ऐड करना,
47 is equals to 0. So this implies lambda की value आ गई 47 upon 29. क्या यहाँ तक किसी को doubt है? No ma'am. ठीक है. तो fourth step में आप लोग फुटो पर पेंडिकुलर की वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर लैम्डा आपके पास 47 अपॉन 29 है. तो फिफ्थ स्टेप में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे? बोलो क्लियर है? इसका आंसर रूट 53 आएगा. कैलकुलेट कर लोगे? एग्रीड हियर? क्लियर है? एक क्वेश्चन ट्राई करोगे? हेलो बोलो. मेरे को आप लोगों की आवाज मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम. 100 कोई पॉइंट है, ये लाइन है x माइनस 1/2, y प्लस 1/-3, z प्लस 10/8, राइट? आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट परपेंडिकुलर, देखो मैंने जो बात बोली थी, पूछ लिया तीन चीजें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट परपेंडिकुलर पूछा और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पूछा. क्लियर होगी बात? रेडी? टाइम दू करने के लिए? शुड आई गिव यू टाइम? बोलिए डियर, टाइम चाहिए अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो? So, Unnati, do you want to try? Yes, ma'am. Okay, should I give you time, Aman? Yes, ma'am. Okay, take your 5 minutes to solve this question. Take your time, no problem. Abhishek, aapko samajh aaya? मैम एक बार सेकंड स्टेप फिर बताना. ये क्वेश्चन नोट कर लिए जो लोग कर रहे हैं? मैंने कर लिया. हाँ जी, सेकंड स्टेप में हमने अमन क्या किया, पी और क्यू, पी का पॉइंट गिवन था, क्यू का पॉइंट आपने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लिया, राइट? तो पी क्यू के लिए आपने क्या किया, क्यू माइनस पी कर लिया, तो आपके पास पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो था भी. बोलिए क्लियर है? Thank you.
मैम लैम्डा की वैल्यू 75/77 आ रही है. ओके तो कोऑर्डिनेट्स बता दो कितने आ रहे हैं आप लोगों के, देन ओनली वी कैन जज. 0.5 - 14 कहीं गलती लग रही है कुछ मैम. लैम्डा -1/2 आ रहा है. चलिए फिर ट्राई कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास x आ गया होगा 2λ + 1, y आ गया होगा -3λ - 1 और z आ गया होगा 8λ - 3. चेक करते जाओ कैलकुलेशन. क्लियर है? तो सेकंड स्टेप में डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू के निकाले मैंने और वो आपके पास आ गया 2λ रह गया सिर्फ, कॉमा 8λ - 10, कॉमा -3λ - 1. एग्री? थर्ड स्टेप में आपने किया होगा 2 × 2λ. मैम 8λ वाला तीसरे पे है, जेड पे है वो, वाई जेड वाले एक्सचेंज हो गए. प्लस 8λ. अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा मैं समझ गई. तो आपके पास आया -3λ - 1, कॉमा 8λ - 10, राइट? तो आपके पास 2 × 2λ -3 × -3λ - 1 प्लस 8 × 8λ - 10 इक्वल्स टू 0. यही था. तो 4λ - +9λ - -3 प्लस 64λ - 80 इज इक्वल्स टू 0. यही कैलकुलेशन बनी है, राइट? तो आप लोगों के पास 77λ - 77 इक्वल्स टू 0. मेरे को लग रहा है आप सबकी कैलकुलेशन गलत हो गई. लैम्डा तो 1 आ रहा है. कहां गलती हुई? तो फोर्थ मैम, थर्ड स्टेप, फुटो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3, जेड की वैल्यू आ गई -2 और वाई की वैल्यू आ गई -4. क्लियर है? तो आपका ये जो पॉइंट है वो आ गया 3, -2, -4, राइट? उल्टा लिख दे फिर से, 3 - 4 - 2. एग्री? तो सबसे पहले फिफ्थ स्टेप मेरा एक चीज हो गई, फुटो परपेंडिकुलर निकल गया. तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स? x - 1 upon 3, no, 3 - 1 that means 2 is equals to y - 0 upon -4 - 0 is equals to z - 0 upon -2 - 0. This implies मेरे पास जो equation of line बनेगी PQ वो मेरे पास क्या आ रही है, x - 1 upon 2 is equals to y upon -4 is equals to z upon -2. Clear है? Last perpendicular distance check करो. तो फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट 3 - 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर. तो मेरे पास अंडर रूट में बना 4 + 16 + 4 दैट मीन्स √24 और ये मेरे पास बन गया 2√6 यूनिट. बताओ हाँ जी क्लियर हो गया? अब पता चल गया लैम्डा गलत हो गया था, सब कुछ गलत हो गया. इतनी कैलकुलेशन भी करेंगे सब प्रॉब्लम हो जाएगी फिर. हाँ जी उन्नति, अमन, अभिषेक, अंकित, इज इट क्लियर टू एवरीवन? महक? यस मैम. ठीक है, अब ये क्वेश्चन का क्या मतलब है समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. बहुत सिंपल है क्वेश्चन. क्या कहना चाह रहे हैं? ए और सी, बी सी कोई लाइन है, यही बोलना चाह रहे हैं? इस पे ए पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने और डी ए पॉइंट है,
लो अंकित बैक स्लाइड नोटेड अंकित चलिए इतना लंबा मेथड तो ठीक है पर मैम अगर ये शॉर्टकट अगर ये उसमें आ जाता है एमसीक्यू में या हमें जेई में आ जाता तो इतना लंबा मेथड करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा शॉर्टकट फॉर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम लाइन क्लियर है ओके तो डिस्टेंस डी किसके बराबर होगा बी ओके सॉरी तो डिस्टेंस डी किसके बराबर होगा बी क्रॉस पी क्यू अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा देखो एग्जांपल अगर आपको पॉइंट पी दे रखा है 3, -8, 1 और लाइन दे रखी है आपको x -3/3 y+7/-1 = z+2/5 तो क्या करोगे पहले पी क्यू वैक्टर किसे निकालोगे पी क्यू क्यू पॉइंट पता है कौन सा होगा सो दिस इंप्लाइज Q पॉइंट होगा जहां से लाइन पास हो रही है दैट मींस वो आपके पास आ जाएगा 3, -7, -2 एग्री तो पी क्यू निकाल सकते हैं सब कितना आएगा 3 -3 0 जीरो आई कैप माइनस प्लस जे कैप -3 k कैप ये सुनते क्लियर यस मैम बी वेक्टर पता है B क्या होगा इसकी डायरेक्शन रेशियो 3i - j + 5k तो क्या आप लोग B क्रॉस PQ कर सकते हो मैं एक सोच रही हूँ मैम दूसरा मेथड ही कर लेंगे जल्दी हो जाएगा मैम नो कर लेंगे ठीक है तो ये शॉर्टकट है अगर किसी का मन करे दे कैन ऑप्ट अगर नहीं मन करे तो दे कैन स्किप मेन मेथड वो था क्लियर है तो ये क्वेश्चन समझ आया अब आपको ये पॉइंट पता है 0, -11, 3 2, -3 1 और ये पॉइंट आपके पास 1, 0, 4 आपको क्या करना है डी के कोऑर्डिनेट्स इट मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स हाँ जी बताइए हो जाएगा Can I assign it as homework? बोलिए क्लियर है Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next देखिए length of perpendicular drawn from. अब इस क्वेश्चन में क्या फर्क है पुराने क्वेश्चन से इसमें इक्वेशन किसमें दे दी वेक्टर में और आपको बताइए कि कौन सा पॉइंट है कौन सी लाइन है कि नहीं राइट और रॉन्ग तो क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को भी डन राइट
देखो ये वाला पॉइंट है 5, 4, -1, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लाइन जा रही है, उस लाइन जो है उसको सही फॉर्म से लिखे तो x -1/2, y/9, z/5, एग्री? क्लियर? मम्मी को बता दो कैसे करी है ये, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में चेंज की। देखो r को मैंने लिखा x i cap + y j cap + z k cap = i cap + 0 j cap + 0 k cap + λ times 2 i cap + 9 j cap + 5 k cap, राइट? मैं इसको लिख सकती हूँ x-1 (y-0)j cap + z-0 k cap = λ times 2 i + 9 j + 5 k। तो यहां से आपको पता चला x-1/2 (y/9) = z/5, all are equals to lambda। तो ये जो इक्वेशन बन गई आपके पास, ये बन गई कार्टेशियन फॉर्म। ये हमने कल पढ़ा था, yesterday only ना we studied, yes, how to convert vector to cartesian and cartesian to vector। clear हुई बात? yes ma'am। ठीक, तो अभी तक किसी को कोई doubt है? जब आपके पास cartesian form में equation आ गई तो फटाफट कर सकते हैं, right? तो अगर मैं तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम स्क्रीन चली गई क्या? स्क्रीन शो कर रही हूँ, वेट। राइट, तो आज की कंसेप्ट क्लियर है, हमने दो चीजें पढ़ी, किसी को भी डाउट है? अब कल से सम अप कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल आपने सबसे पहले पढ़ा था लाइन, अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो हमने बोल दिया कि अगर पासिंग थ्रू पॉइंट है ए वेक्टर और पैरेलल टू वेक्टर है बी वेक्टर, तो महक अमन हमारे पास इक्वेशन बनी थी r(a)(λb)। ये वेक्टर फॉर्म थी, तो इससे कार्टेशियन फॉर्म हमने बनाई थी। हमारे पास बनेगा x-x1/l y-y1/m = z-z1/n। क्लियर है? फिर सेकेंड थिंग हमने पढ़ी थी अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, राइट? तो जब टू पॉइंट से पास किया और मैंने बोल दिया कि वो दो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन आएगी x, और अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो मेरे पास x-x1/x2-x1 = y-y1/y2-y1 = z-z1/z2-z1, और हम लिख सकते हैं r = a + λ times b - a। क्लियर है? थर्ड हमने किया था एंगल, सिर्फ cos थीटा लेना था, दैट मींस cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू फर्स्ट की डायरेक्शन रेशियोज डॉटेड विद सेकंड की डायरेक्शन रेशियोज अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। क्लियर है? फिर हमने यहां से बोला था कि अगर मेरा परपेंडिकुलर हो जाए दोनों लाइंस, तो a1 a2 + b1 b2
प्लस सी वन सी टू किसके इक्वल होगा, जीरो के. और अगर पैरेलल हो जाए तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के इक्वल होगा. क्या कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम. ये हमारा यस्टरडे का कंसेप्ट था जो हमने कल पढ़ा था. तो अल्टीमेटली हमारा सिर्फ एक कंसेप्ट रह गया, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. कल हम डिस्कस करेंगे, मींस अपकमिंग क्लास दैट विल बी ऑन सैटरडे, उस दिन हम बात करेंगे कि स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं, और अगर स्क्यू नहीं है तो किस टाइप के लाइंस होंगे. क्लियर है? तो आज की क्लास में आपके 3 to 4 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आई गेस आप लोग कर सकते हो अटेम्प्ट, है ना? यस और नो? यस मैम. तो अगर किसी के कोई डाउट है वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं.